इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इक्ष्वाकु। ठीक है, तो इक्ष्वाकु में क्या क्या पर्याय होते हैं और इसके कितने योग होते हैं, तो देखिए योग जो होते हैं वो होते हैं 45 योग होते हैं इक्ष्वाकु के। इसमें जो है लंबा, कटुका आलाबु, तुम्बी, पिंडफला और फलनी, ये जो हैं इसके पर्याय हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, तो हमने याद किया था कि वातज और कफज इन दोनों में हमें मिला करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, तो श्वास है, कास है, विष विकार है, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये वातज से रिलेटेड हो गए, ज्वर, छर्दी और कफज ज्वर, ये जो है ये कफज से रिलेटेड हो गए। तो ऐसे करके हमने याद किया था। ठीक है, इसके बाद जो है हम चलते हैं इक्ष्वाकु में। तो इक्ष्वाकु के योग कितने होते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए उन योगों को कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे हम इसको याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्ष्वाकु के योग के अनुसार, ठीक है, हम इक्ष्वाकु के योग देखने जा रहे हैं। इसका ट्रिक कैसे आपको याद करना है, तो देखिए यहाँ पे याद करना है कि मन, मन तिल तैल घृत और मंथ। अब ये मन से क्या है, तो मन से हो जाएगा मांस रस, न से हो जाएगा नश, म से मांस रस, न से नश, तिल से तिल कल्क है और तैल से तैल है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे तिल तैल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे तिल कल्क है और तैल है अलग से, इनके सबके एक एक योग हैं, और घृत से घृत और मंथ से मंथ, इस प्रकार ये टोटल 6 योग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि सुमंत, कौन सुमंत, मास मुन्ने को माँ बाप 8 बार दुग्ध पिलाएं या दें। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो सुमन से सुरा, मस्तु और तक्र, इनसे क्या है 3 योग ईच के। ठीक है, उसके बाद है मदन फल आदि क्वाथ से 6 योग, फिर है मुलेठी आदि क्वाथ, देखिए मुन्ने से मुलेठी, मुन्ने ने से 9 और मुँह से मुलेठी आदि क्वाथ से 9। उसके बाद है माँ, तो माँ से मात्रा और आ से 8, माँ से आ गया। उसके बाद बाप, बाप से आएगा जाएगा बृहद पंचमूल और पास आ जाएगा 5, बा और पा। ठीक, उसके बाद दूध से आ जाएगा 8 योग, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि 8 बार दुग्ध पिलाएं। ठीक, तो इससे आपके ये पूरे योग कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है इसका योग का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, तो देखिए इसके जो क्षीर के प्रयोग है, ठीक है, जो कि 5 हमने 5 योग होते हैं, लेकिन 4 कैसे हैं, जो कि जीमूतक के जैसे ही हैं, जो हमने पढ़े थे कि सबसे पहले क्या था कि क्षीर था, ठीक है, दूसरा था पेया, ठीक है, तीसरा था रोम, रोमहीन फल से रिलेटेड, ठीक है, और चौथा था कि रोम रहित फल की, पहला था क्षीर की मलाई और दूसरा था दधि, प्रस्तुत दधि की मलाई। ठीक है, तो ऐसे करके जो 4 थे उनको लेना है। और जो लास्ट वाला था उसमें देखिए क्या करना है कि हारित या पांडु वर्ण के जो इक्ष्वाकु फल होंगे उनको सूरा में, ठीक है, क्या करना है, संधान करवाना है और संधान करने के बाद उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो ऐसे करके इसके योग होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इक्ष्वाकु में जो दही होता है उसको कैसे यूज किया जाता है, तो इक्ष्वाकु का दही इक्ष्वाकु के फल के मध्य भाग को निकाल कर उसमें दुग्ध डाल देते हैं। ठीक है, दुग्ध डाल देते हैं और दही जमने के बाद उसका प्रयोग किया जाता है। तो इक्ष्वाकु का जो फल होता है उसके मध्य भाग को पहले चीरा जाता है, चीरने के बाद उसके मध्य भाग को निकाल लेते हैं और वहाँ पे दुग्ध डाल देते हैं। उसके बाद है दही का पानी, दही का पानी कैसे यूज़ करेंगे, तो इक्ष्वाकु फल की गुद्दी प्लस दही का पानी, उसके साथ ही दही का पानी मिला करके दे देते हैं। फिर आता है मांसरस, मांसरस में जो है इसमें क्या करते हैं, तो इक्ष्वाकु के बीज और उसके साथ ही मांसरस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये योग प्रयोग होते हैं इतने सारे, इसको आपको याद रखना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।